मैं संत युवराज फिर आप सभी के सामने हूँ। जो आजकल रामदेव बाबा का धारावाहिक चल रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। इसके अंतर्गत में कुछ ऐसे तत्व छुपाए गए, ऐसे तत्व बताए गए हैं जिनसे कि देश के अंतर्गत में दिक्कत हो सकती है। एक समाज की ये बुराई कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के विषय में कहते हैं कि मंदिर में गए ये बच्चे जब थे, उसके बाद में पुजारियों ने इनको रोक लिया गया। अरे रामदेव जी, आप यदि बताना चाहते हो तो इस बात को क्यों नहीं बताते हो कि ऋषिकेश में आपने अपने गुरु की हत्या कैसे की? उसके ऊपर केस भी चला, सीबीआई की जांच भी चली। हर इस समय मोदी सरकार है, इसलिए आप बच गए थे। ध्यान रखना इस बात के लिए, इस प्रकार की भ्रांति ना फैलाएं। यदि आपको धारावाहिक में दिखाना है तो आप ये दिखाइए, अंजलि नाम की लड़की को लेके कैसे भागे थे आप, जिससे कि पतंजलि बनाया। आप दिखाना चाहते हो ये दिखाइए, अपने गुरु की हत्या कैसे की आपने। दिखाना चाहते हो तो ये दिखाइए, आपने द्विवेदी की हत्या कैसे की जिससे योग इत्यादि सीखा और स्वदेशी के विषय में सीखा। आप दिखाना चाहते हो तो अपने उन चीजों को दिखाइए ना। और दूसरी बात यह है, गाय के घी का नाम लेकर के भेड़ बकरियों का दूध का घी तुम देते हो। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मणों का अपमान करके आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैं जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूं, पतंजलि के प्रोडक्ट कोई भी खरीदना सब बंद कर दें, जब तक ये रामदेव माफी ना मांगे। और एक बात का ध्यान रखना, ब्राह्मणों का इस प्रकार से अपमान करने से कि ब्राह्मणों ने मंदिर से रोक दिया, तुम्हें क्यों रोकते मंदिर से? मंदिर के अंतर्गत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाते हैं, सभी को पूरा अधिकार होता है। मैं आर्य समाज की बुराई नहीं करता हूं, ध्यान रखो, परंतु इस बात को मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार की बात करना कि मूर्ति पूजा का विरोध करना, दान पुण्य का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध करना कि ब्राह्मणों ने सबको दबा के रखा है, इस प्रकार की बातें करना छोड़ दो। और एक बात का ध्यान रखना, देश में एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तुम्हारा, एक भी एजेंसी नहीं मिलेगी तुम्हारी, सब एजेंसियां तुम्हारी समाप्त कर दी जाएंगी। और रामदेव जी, आप अपनी आंख का इलाज करो पहले, दूसरों का इलाज जब करना। लोगों को योग के नाम पर ठगते हो अच्छी तरीके से, बेकार की बातें करते हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खुलासा कीजिए अच्छी तरीके से अपने जीवन का, ये अपनी जो कमियां हैं, जो आपकी कमियां जो उभारने वाले हैं उसके लिए तुम धारावाहिक बना रहे हो, झूठा है बिल्कुल धारावाहिक तुम्हारा। और भारत के जितने भी लोग हैं सबसे कहना चाहूंगा, ये पतंजलि का प्रोडक्ट बंद करिए। पतंजलि को इसलिए पसंद करते, आप कहते थे कि विज्ञापन में इतना खर्चा होता है, इतना महंगा देती है विदेश कंपनियां, तुम कौन सा सस्ता दे रहे हो, सबसे जो कि सबसे महंगा दे रहे हो। आप लोगों को ठग रहे हो, और सबसे बड़ा विज्ञापन तुम्हारा होता है, विज्ञापन में सबसे बड़ा खर्चा तुम करते हो। मैं इस बात को क्रोध में नहीं कह रहा हूं, पर इस बात को मैं अच्छी तरीके से कह रहा हूं। आप अपनी बात से बाज आ जाओ रामदेव जी, नहीं तो एक भी दुकान भारत में नहीं मिलेंगी तुम्हारी, एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तुम्हारा। और यदि धारावाहिक में देते हो तो ये दीजिए, गुरु की हत्या तुमने कैसे कैसे की, उनका गला बताया क्या मारा, कैसे मारा, इस बात की जांच कीजिए। और मोदी जी यदि सुन रहे हो तो उनसे निवेदन है, इसकी भी जांच की जाए अच्छी तरीके से, और ऐसे झूठे धारावाहिकों को बंद कराया जाए जिसका कोई भी प्रमाण ना हो। मैं संत युवराज रांधेरा धाम मथुरा से अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं, और भारत के जितने भी ब्राह्मण है सबसे कहता हूं, कोई भी पतंजलि का प्रोडक्ट ना खरीदे। और जहां जहां जिस गली मोहल्ले में इनका प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जो भी एजेंसियां हैं, उन सबका विरोध करें। और रामदेव जी, यदि अगली बार एपिसोड चला तो तुम्हारी एक दुकान नहीं मिलेगी, सब में तोड़फोड़ करा दूंगा। 13 लाख कार्यकर्ता है मेरी संस्था के अंतर्गत में, और मैं तुम्हें खुले चैलेंज देता हूं, मथुरा धाम मथुरा से, रांधेरा धाम से संत युवराज, मेरा नंबर 9927404606, जो करना है कर ले रामदेव, और तू पहले अपनी आंख का इलाज करा, उसके बाद में कोई काम करना। भारत के सभी लोगों से कहता हूं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे झूठे व्यक्ति का धारावाहिक ना देखें जो जाति के नाम पर विष घोलना चाहता हो। अरे यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब बराबर हैं, किसी भी जाति का अपमान ना करें। जय श्री राधे, सभी के लिए जय श्री राधे।